अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने दो और नए चैनल शुरू किए हैं, जिसमें एक 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है और दूसरा की टू सक्सेस है। 24/7 टीचर्स ऑनलाइन बनाने का मकसद जो है वो ये है कि मैं अपने कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, वो सब्जेक्ट जो आपके मुश्किल हैं। इसलिए मैंने अपने कुछ 15 सब्जेक्ट के जो है तकरीबन लेक्चर रिकॉर्ड करके वहां पे रखे हैं। तो आप 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाइए और उन लेक्चर से फ़ायदा उठाइए। की टू सक्सेस बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ना सिर्फ पढ़ाऊं बल्कि आपको पेपर्स की भी तैयारी करवा सकूं। तो उस हवाले से वहां पे मैंने मटेरियल रखा है पेपर की तैयारी के हवाले से। ना सिर्फ मैंने उसमें समझाया है बल्कि ये भी बताया है कि आपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो आप की टू सक्सेस को भी जरूर विजिट करें और 24/7 टीचर्स ऑनलाइन को भी जरूर विजिट करें, और ना सिर्फ विजिट करें बल्कि वहां पे जो मटेरियल है उससे फायदा उठाएं और मेरे इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला लेक्चर जो है आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उसके जो URL हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहे हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऐड कर दिए हैं, तो आप आसानी से उन चैनल्स के ऊपर जा सकते हो। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो की। आज की जो वीडियो है वो MGT 301 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का जो हमारा क्विज नंबर 1 आया हुआ है स्प्रिंग 2020 का, उस हवाले से है। तो चलिए हम लोग अपना क्विज कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे ऊपर नजर आ रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मार्केटिंग का सब्जेक्ट है ये आपका ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है और इस बार जो है वो आपके तकरीबन ट्रू फॉल्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कस्टमर वैल्यू इज डिफाइंड एज द कस्टमर इवेल्युएशन ऑफ द परसीव्ड डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ द बेनिफिट्स एंड ऑल द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफर रिलेटिव टू दोज ऑफ कम्पीटिंग ऑफर। इसमें ट्रू है या फॉल्स है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका ट्रू है। सेकेंड क्वेश्चन है जी, मार्केटिंग ऑफर आर लिमिटेड टू द फिजिकल प्रोडक्ट, कि आपकी जो मार्केटिंग है वो सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट की ऑफर तक महदूद है। तो इसमें जो है ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ट्रू, वो इसका आई थिंक के ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, ह्यूमन नीड्स आर शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, कि आपकी जो ह्यूमन नीड है वो शेप या कल्चर या इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से जन्म लेती है। तो ये बात भी आपकी ठीक है। तो ये ट्रू जो है वो इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, डी मार्केटिंग इज द मार्केटिंग फिलॉसफी फोकस्ड अपॉन द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड पोजिशनिंग। तो ये बात जो है डी मार्केटिंग की, ये गलत लिखी हुई है। तो ये फॉल्स जो है वो इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, सेलिंग इज मैनेजिंग द प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप, कि सेलिंग का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल कस्टमर बनाना है। इसमें ट्रू और फॉल्स ऑप्शन है। तो सेलिंग का मकसद जो है बेसिकली सेलिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, नॉट मेकिंग द कस्टमर रिलेशनशिप। तो ये वाली बात जो है वो गलत लिखी हुई है। तो फॉल्स जो है वो इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, आपके पास व्हेन आर रेल रोड कंपनीज थॉट दैट द यूजर वांट्स टू ट्रेन रादर देन देन द ट्रांसपोर्टेशन एंड ओवरलुक्ड द ग्रोइंग चैलेंजेस ऑफ एन अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे वर फॉलोइंग द सेलिंग कॉन्सेप्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन साइड इट विल नॉट इंक्लूड इन द सेलिंग कॉन्सेप्ट। सो दैट्स व्हाई दैट स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड फॉल्स। तो सेकेंड वाला जो है फॉल्स, वो इस सवाल का ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट है जी, डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन आर टू की बिल्डिंग लास्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप। तो ये जो बात लिखी हुई है कि आप कस्टमर को एक अच्छी डिलीवरी वैल्यूएबल प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं और उससे कस्टमर आपका सेटिस्फाइड भी हो रहा है, तो इससे आपका लॉन्ग लास्टिंग जो है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बन रहा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो ट्रू, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है जी, द प्रोडक्शन कंसेप्ट एंड प्रोडक्ट कंसेप्ट आर टू फिलॉसफीज दैट कैन बोथ लीड इन मार्केटिंग मायोपिया, कि आपकी ये दो जो है मार्केटिंग मायोपिया के अंदर आती हैं। ये बात भी आपकी ठीक लिखी हुई है। तो ये इसका ट्रू जो है वो ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, व्हेन बैक्ड बाय बाइंग पावर नीड बिकम डिमांड, तो आपकी जब बैक बाइंग पावर जो है वो अच्छी हो जाएगी तो आपकी जो नीड है वो डिमांड बन जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो फर्स्ट वाली जो ट्रू वाली ऑप्शन है वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है।
लास्ट क्वेश्चन है जी, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट परसीव्ड परफॉर्मेंस रिलेटिव टू बायर एक्सपेक्टेशन, कि आपकी जो किसी भी प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस वैल्यू है, इट्स डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो फर्स्ट वाला जो ट्रू वाला ऑप्शन है वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। दोस्तों ये था हमारा क्विज MGT 301 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का। मैं फिर आखिर में आप लोगों को कहूंगा 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाइए, वहाँ पे जो 15 सब्जेक्ट के डिफरेंट मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएं, यकीनन इंशाल्लाह आपको उनसे सीखने को मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सॉल्यूशन के साथ या GDP सॉल्यूशन के साथ। उस वक्त तक के लिए मोहसिन भाई को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह।